हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 5 बजे मंडे टू मंडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है, जिसके अंदर हम कवर करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है दोस्तों, कल जो है वो पहला दिन था सीजीएल एग्जाम का, एसएससी का, और उसके अंदर जो भी करंट अफेयर के सवाल है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन अपन हजारों बार जो है वो डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो वो सारे सवाल थे। और चाहे कितना भी मुश्किल सवाल भी अगर आपके एग्जाम में आएगा ना, चाहे कोई सा भी इंडिया में एग्जाम हो, तो भी आपको सुबह 5 बजे और 8 बजे वाले के अंदर से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपको डिटेल जाननी है हर एक चीज की, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तो सुबह 8 बजे वाला सेशन जो है वो रेगुलर देखा करो, आपको बहुत बेनिफिट है जो कि उससे मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, सबसे पहले जान लेते हैं एक बार अनअकैडमी के लिए क्या चल रहा है, कौन सा कोर्स चल रहा है, उसके बाद देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सेशन। ये दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप है करंट अफेयर्स बाय बुनियाद। अगर आपको पीडीएफ चाहिए मेरी सारे वीडियोस की, प्लस सारे वीडियोस चाहिए, तो करंट अफेयर्स बाय बुरेश सर, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वो वाला ग्रुप ज्वाइन करिएगा टेलीग्राम पे जिसके 31,000 के आसपास बच्चों हों, जिसमें वो वाला ही जो है वो ओरिजिनल वे है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर दोस्तों यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक, सीडीएस, यूजीसी, आरपीएससी, कोई से भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो घर बैठे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन से, तो रेफरल कोड आपको BHUNESH बुनेश 10 है जो कि आपको डालना है। 10% ऑफ मिल जाएगा और सभी सब्जेक्ट की सारी क्लासेस है जो कि दोस्तों आपको घर बैठे मिल जाएगी। मेरे कोर्सेज की बात करें तो दोस्तों मेरा कोर्स CHSL के अंदर चल रहा है और पॉलिटी जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। अगर आपने दोस्तों कभी मेरे से जीके नहीं पढ़ी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको और बायोलॉजी, जनरल साइंस, तो दोस्तों बहुत अच्छा मौका है, एक बार ज्वाइन कर लो। सारे वीडियोस मिल जाएंगे, पुराने वाले सारी पीडीएफ मिल जाएगी, और पॉलिटी की मैंने शुरुआत करी है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, मजा आ जाएगा पढ़ने के अंदर। इसका जो लेवल रखा है ना, वो मैंने बिल्कुल दोस्तों यूपीएससी के बराबर का लेवल रखा है, मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में। बैंकिंग की बात करें तो अगर आप SBI क्लर्क या RBI असिस्टेंट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने दोस्तों बैंकिंग के लिए करंट अफेयर है जो कि स्टार्ट कर दिया है कोर्स, ये वाला ज्वाइन कर लीजिएगा। और रेलवे के अंदर भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं बुनेश 10 यूज करके। क्वेश्चन ऑफ द डे था 2020 में भारत में कितने वर्षों के बाद विश्व उत्पादकता कांग्रेस आयोजित की जाएगी, वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी कांग्रेस। तो दोस्तों 45 इयर्स के बाद में जो है ना ये कॉन्फ्रेंस है दोस्तों जो कि करवाई जा रही है, वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी कॉन्फ्रेंस। ठीक है गाइस, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं, और कहां पर करवाई जाएगी, 7 मई से जो है इसकी शुरुआत करी जाएगी बेंगलुरु इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर के अंदर। कहां पर, बेंगलुरु के अंदर, बैंगलोर जो है वहां पर दोस्तों उसको 45 साल बाद है जो कि करवाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में दोस्तों। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं। विश्व वन्य जीव दिवस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है दोस्तों किस तारीख को मनाया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हमेशा दोस्तों बहुत सारे एग्जाम है डिफरेंट डिफरेंट, जिसके अंदर इसके बारे में ऑलरेडी दोस्तों बहुत बार है जो कि पूछा जा चुका है। यूनाइटेड नेशन जो अपनी जनरल असेंबली है, उसने एक रेजोल्यूशन है दोस्तों जो कि पास किया था, जिसका नाम था 68205, इसको बोलते हैं हम रेजोल्यूशन 68, बहुत इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन है वैसे ये वाला यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। 68205 करके एक रेजोल्यूशन है जो कि पास किया था, समझ गए। और क्या किया था दोस्तों, डिसाइड किया था कि 3 मार्च को हम क्या बनाएंगे दोस्तों, ओके, हमारे जो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज है, फ्लोरा एंड फ्यूना है, उन सबको बचाएंगे। 1973 के अंदर दोस्तों वर्ल्ड सिटीज डे को जो है वर्ल्ड जो वाइल्ड लाइफ डे है दोस्तों, इसको मनाने के लिए बोला गया था, और इसको प्रपोज किसके द्वारा किया गया था, थाईलैंड के द्वारा दोस्तों इसको प्रपोज किया गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, थाईलैंड के द्वारा, और वाइल्ड लाइफ को दोस्तों बचाने को लेकर इसकी शुरुआत है जो कि करी गई थी। 2020 की थीम के बारे में पूछे तो सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ, ये इसकी थीम है जो कि दोस्तों रखी गई है। ठीक है, सस्टेनिंग, यहां पे देख सकते हो आप, सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ, ये थीम है दोस्तों जो कि इसकी रखी गई है, ध्यान रखिएगा 3 मार्च को मनाया जाता है। भारत ने हथियारों को पता लगाने वाले रडार स्वाति के निर्यात के लिए डैश के साथ $40 मिलियन का रक्षा सौदा जीता है। तो जैसे कि आपको मालूम है, कोई भी वेपन को पता करने के लिए जो रडार यूज किया गया है ना, वो डील है जो कि हमने पोलैंड और रशिया की कई सारी कंपनियों को हरा के जीती है। और हम किसको सप्लाई कर रहे हैं, आर्मेनिया को दोस्तों, हम 4 जो ऐसे डिवाइसेज है जो कि DRDO के द्वारा बनाए गए, डेवलप करे गए, वो हमें दोस्तों उनको दे रहे हैं। तो आर्मेनिया दोस्तों है ना, आर्मेनिया जो कि जैसा कि आपको मालूम है, ओके, वेस्टर्न एशिया के अंदर लोकेटेड है, और जैसे कि टर्की इसके बॉर्डर पे है, जॉर्जिया हो गया, अजरबैजान हो गया, ये सारी कंट्रीज है जो कि इसके टच के अंदर है। ठीक है गाइज, और यहाँ की कैपिटल क्या नाम है, यरेवन करके है, जो कि इसकी कैपिटल है यरेवन। कल सुबह 8 बजे वाली के अंदर भी मैंने इसके बारे में आपसे अच्छे तरीके से डिस्कशन किया था। वैसे प्रेसिडेंट का जो नाम, प्राइम मिनिस्टर जो है
यहाँ पे वो उनका नाम है निकोई करके, निकोई करके जो प्राइम मिनिस्टर है। प्रेसिडेंट की बात करें तो अरमेन करके ही है जिनका प्रेसिडेंट का नाम है, ठीक है। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो यहाँ पे पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन को 3 करोड़ के आसपास की है, 3 करोड़ भी नहीं है, इनफैक्ट यार 3 करोड़ नहीं है, कोई 30 लाख के आसपास की, बहुत ही कम पॉपुलेशन है। छोटा देश है, ज्यादा बड़ा देश नहीं है। पर कैपिटा इनकम जो है वो 4,000-5,000 डॉलर के आसपास है। करेंसी यहाँ पे ड्रम करके नाम है, DRAM दोस्तों, जो कि यहाँ पे करेंसी चलती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों स्वार्थी वेपन लोकेटिंग रडार, तो रडार के थ्रू जो है वो कोई भी वेपन पड़े हुए तो उसके बारे में पता कर सकता है ये। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश विधानसभा को पेपरलेस तंत्र डैश एप के कार्यान्वयन के साथ शुरू हुआ। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर पेपरलेस जो है वहां पे काम किया जा रहा है, वहां की विधानसभा के अंदर। तो ये कब से इसकी शुरुआत करी गई है ये आपको बताना है, कितनी तारीख से दोस्तों इसको लॉन्च किया गया है, समझ गए, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए, आंसर हो जाएगा आपका जो क्या नाम है, ई विधान ऐप है, उसके लॉन्च करने के साथ ही पेपरलेस है जो कि यहाँ पे काम स्टार्ट हो गया है, समझ गए। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है दोस्तों इंडिया का, आसाम नागालैंड हो गया, भूटान म्यांमार चाइना है ना, इनके साथ में इसकी बॉर्डर टच होती है। ईटानगर इसकी कैपिटल है दोस्तों, ठीक है। बोमडिला बोमला इस तरह के काफी पासेस यहाँ पे काफी फेमस है। 1987 के अंदर ये राज्य बना था, 25 यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, ईटानगर यहाँ की कैपिटल है। यहाँ की अगर बात करें दोस्तों तो पेमा खांडू जी है जो कि सीएम है, क्या नाम है, पेमा खांडू जी। गवर्नर की बात करें तो बीडी मिश्रा जी है दोस्तों जो कि यहाँ पे गवर्नर है। यहाँ की अगर मैं बात करूं विधानसभा की तो विधानसभा में कितनी सीटें हैं, 60 सीटें, लोकसभा में 2 है, और राज्यसभा की बात करें तो 1 सीट है जो कि आपको राज्यसभा के अंदर देखने को मिलेगी। पॉपुलेशन कम है, कोई 15 लाख के आसपास की पॉपुलेशन है। ऑफिशियल लैंग्वेज बहुत बार पेपर में आती है, इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो इंग्लिश है दोस्तों जो कि यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है गाइज। मैम्बल यहाँ पे फॉस फ्रॉन्टेलिस करके है, बर्ड यहाँ पे हॉर्नबिल है, ऑर्किड यहाँ का फ्लावर है, और ट्री यहाँ पे कौन सा है, इनका जो ट्री है उसका नाम है हॉलोंग, ठीक है गाइज। और ऐप के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में मैंने आपको बताई दिया है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत जो है इसके इम्प्लीमेंटेशन है जो कि किया गया था। 7वां अरुणाचल प्रदेश का लेजिस्लेटिव असेंबली है जिसकी शुरुआत करी गई है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ 6 उपकरण हायरिंग सेंटर के निर्माण के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 इक्विपमेंट हायरिंग सेंटर दोस्तों, ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये किसके साथ में करे गए, इसको किया गया दोस्तों त्रिपुरा के साथ में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, त्रिपुरा आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है जो कि हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं त्रिपुरा की स्टेट गवर्नमेंट और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने साइन किया MOU कि ये कंस्ट्रक्शन करेंगे 6 इक्विपमेंट हायरिंग सेंटर के, ठीक है, कहाँ पे, त्रिपुरा के अंदर, समझ गए मेरी बात। अभी यहाँ पे बात करें अगर हम त्रिपुरा के दोस्तों तो सीएम गवर्नर तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में आ रहा है, कल भी आपके सीजीएल के एग्जाम में जो है छत्तीसगढ़ के सीएम पूछ लिए गए, पंजाब के सीएम के बारे में पूछ लिया गया, प्राइम मिनिस्टर पूछ लिया गया श्रीलंका के, तो ये महत्वपूर्ण बात है जो कि हम हमेशा कवर करते हैं, ये करते हैं। सीएम की बात करें तो त्रिपुरा के दोस्तों बिप्लव जी है, जैसे कि आपको मालूम है बिप्लव जी, नॉर्थ ईस्ट के भूलना मत, देखो नॉर्थ ईस्ट के सवाल आते हैं और कंफ्यूजन होता है तो एक बार लिख के याद कर लोगे ना 7ों के 7 जो राज्य है उनके, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, बाकी सब राज्यों के तो आप कर लोगे, मेरे को मालूम है। यहाँ की विधानसभा की कितनी, 60 सीटें दोस्तों यहाँ पर भी विधानसभा की देखने को मिलती है, 8 यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है। अगरतला यहाँ की दोस्तों कैपिटल है, 72 के अंदर ये राज्य है जो कि बना था। बंगाली इंग्लिश है जो कि यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और यहाँ पे बड़ा फेमस है एक नीर महल पैलेस, मालूम है ना, वीर विक्रम किशोर जो किंगडम ऑफ त्रिपुरा के हुआ करते थे उनके द्वारा जो है इसको उनका पैलेस हुआ करता था, इसका नाम है नीर महल त्रिपुरा के अंदर। ये जो पैलेस है ये काफी फेमस है, इसके अलावा ज्यादा तो यहाँ पे कोई साइट ऐसी नहीं है, नीर महल पैलेस आपको पता होना चाहिए, ठीक है गाइस। चलिए आगे देखते हैं, पुराने जम्मू में ऐतिहासिक सिटी चौक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों जो सिटी चौक है उसका नाम बदलकर भारत माता चौक है दोस्तों जो कि किया गया है, भारत माता चौक आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। नेक्स्ट सवाल, अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट 29वें संस्करण को दुनिया भर में कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण स्थगित कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो कि अजलन शाह कप का मेजबान है। अजलन शाह दोस्तों टूर्नामेंट बहुत ही महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है, एनुअली इंटरनेशनल कौन सा टूर्नामेंट है, हॉकी टूर्नामेंट है, ये तो चलो आपको पता ही है, क्वेश्चन के अंदर ही लिखा हुआ है ये बात तो खैर, और बहुत ही पुराना टूर्नामेंट है, इसकी जो शुरुआत करी गई थी कोई 1983 के अंदर जो है
शुरुआत करी गई और 1998 के बाद में हर साल है जो कि इसको करवाने लगे। यहाँ पे दोस्तों 6 टीमें जो कि पार्टिसिपेट करती है और इसको मलेशिया के द्वारा जो है ऑर्गेनाइज हर साल है जो कि करवाया जाता है। ठीक है गाइज, जो यहाँ पे 9th जो यहाँ के किंग हुआ करते थे ना मलेशिया के, उनका नाम था सुल्तान अजलन शाह, जो कि हॉकी के बहुत ज्यादा वो थे, क्या बोलते हैं, फैन थे, हॉकी गेम के बड़े फैन थे, तो उनके नाम पे इस टूर्नामेंट की शुरुआत है जो कि करी गई थी। यहाँ पे अगर विनर की बात करें दोस्तों, तो भारत ने भी इसको 85 के बाद में 91 95 कई बार इस टूर्नामेंट को जीता है। नियर बाय 5 बार के आसपास है जो कि जीता है इसको। मतलब मैक्सिमम टाइम्स अगर पूछा जाए आपसे कि भाई सबसे ज्यादा बार किसने जीता है, तो देखो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो मैक्सिमम बार वाला तो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने इस टूर्नामेंट को दोस्तों कोई 10 बार के आसपास जीता है, समझ गए। अगर हम बात करें हमारे भारत की, तो भारत ने भी दोस्तों इसको कोई 5 बार जीता है। करंट चैंपियन की बात करें तो करंट चैंपियन कौन है, साउथ कोरिया। सवाल बनेगा क्योंकि इस बार हुआ नहीं है कोरोना वायरस की वजह से, तो पेपर में पूछेंगे। तीसरा टाइटल है जो कि साउथ कोरिया ने 2019 के अंदर है जो कि इसको जीता था, समझ गए। भारत ने, मैंने आपको बता दिया, 85 में, 91 में, 95 में, उसके बाद में 2009, और लास्ट टाइम जो भारत ने इसको जीता था ना वो 2010 के अंदर इंडिया ने जीता था, और साउथ कोरिया के साथ में ही जो है हमने शेयर किया था, यानी कि दोनों ने जो है ना जो है इसको जीता था, चैंपियन दोनों ही थे उस टाइम पे, समझ गए मेरी बात। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। आगे बढ़े मलेशिया की, जैसे कि आपको मालूम है दोस्तों महातीर थी जो है, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया है, और यहाँ पे कौन बन गया, अभी यामीन जी है दोस्तों, जो कि यासीन है उनका नाम, यासीन जी है जो कि अभी यहाँ पे मलेशिया के जो है प्रधानमंत्री बन गए। क्या नाम है, यासीन जी। ठीक है गाइस, ध्यान रखिएगा इसके बारे में भी, पेपर में आपसे सवाल है जो कि बनेगा। ओके, इसके अलावा मलेशिया कुआलालंपुर है, रिंगिट है जो कि आपकी करेंसी है, और जो है सिंगापुर भी मलेशिया से अलग हुआ था 65 के टाइम पे। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है पर कैपिटल इनकम काफी जबरदस्त है इनकी। पॉपुलेशन की बात करें तो कोई 2-3 करोड़ के आसपास, 3-4 करोड़ के आसपास की इनकी पॉपुलेशन है। पर कैपिटल इनकम दोस्तों काफी जबरदस्त है, कोई $12,000 के आसपास है जो कि इसकी पर कैपिटल इनकम है। ठीक है गाइस, चलिए ठीक है। और हाल ही में जोगिंदर सिंह सैनी का निधन हो गया, वह एक डैश थे। तो जोगिंदर जी दोस्तों काफी जबरदस्त हमारे एथलीट कोच जो कि हुआ करते थे, है ना, और भारत के कई सारे प्लेयर्स हैं जिनको इन्होंने ट्रेन किया है, इनके जो ट्रेन करे हुए एशियन गेम्स कई जगह पर उन्होंने जो है जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। तो द्रोणाचार्य अवार्ड से भी दोस्तों इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे नोकिया के नए सीईओ और अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नोकिया के बारे में दोस्तों आपको यहाँ पे बताना है, नोकिया के जो है किसको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, नोकिया की बात करें दोस्तों, तो काफी लोगों को पहली बात तो ये नहीं पता कि नोकिया कंपनी कहाँ की है। पहली बात तो ध्यान रखिएगा, फिनलैंड की दोस्तों ये कंपनी है। बहुत कम लोगों को पता होता है, जब भारत में नोकिया का बोलबाला था तभी भी लोगों को नहीं पता था इसके बारे में। 1685 के अंदर दोस्तों इस कंपनी की जो है वो शुरुआत करी गई थी। यहाँ पे चेयरपर्सन जो है, ठीक है, यहाँ पे न्यू सीईओ और प्रेसिडेंट के बारे में आपको बताना है, और चेयरपर्सन तो कौन है, रिस्टो करके दोस्तों एक पर्सन थे जिनको यहाँ पे चेयरपर्सन है जो कि अपॉइंट किया गया था। अभी यहाँ पे बात करें दोस्तों कि नए किसको अपॉइंट किया गया है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैका, है ना, पका जो है लुंडमार्क है, इनको अपॉइंट है जो कि किया गया है। पहले राजीव सूरी जो है आपको मालूम है ना सीईओ हुआ करते थे, अभी पैका को जो है यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया गया है। दोस्तों काफी पुरानी कंपनी है, एक जमाने में मोटरोला को पीछे छोड़ के जो है नोकिया दुनिया की बेस्ट कंपनी बनी थी। फिर पहले तो मोटरोला थी 1996 तक के आसपास, तो उसके बाद में आई नोकिया, उसके बाद आई सैमसंग, और आज तो फिर चाइनीज कंपनियां है ना, शॉमी वॉमी ज्योमी ओप्पो एप्पल ओप्पो वीवो ये सब आ चुकी है जिन्होंने काफी मार्केट कैप्चर कर लिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो सीईओ और अध्यक्ष के रूप में जो है पैका को नियुक्त है जो कि किया गया है। ओके, नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पे नेशनल वर्कशॉप ऑन एक्सप्लोजिव डिटेंशन एक डेवलप किया गया है, न्यू एक्सप्लोजिव डिटेंशन डिवाइस डिटेक्शन डिवाइस, उसका नाम क्या रखा गया है। वर्कशॉप करा गई है एक्सप्लोजिव डिटेक्शन को लेकर, कि कोई भी अगर एक्सप्लोजिव है, अगर कोई बारूद वारूद है, तो उसको डिटेक्शन अपन उसको कैसा कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं उसके बारे में। तो ये एक डिवाइस है जो कि डेवलप किया गया है दोस्तों, समझ गए मेरी बात। ठीक है, उसका नाम क्या रखा गया है, यहाँ पे रेडर एक्स है जो कि इसका नाम रखा गया है। तो ये आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेशनल वर्कशॉप कहाँ पे, पुणे के अंदर है दोस्तों, जो कि इसको करवाई गई है। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है दोस्तों कि अगर आप अनअकैडमी पे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की फीस बड़ी कम हो गई है, ज्वाइन कर लीजिएगा, मजा आ जाएगा आपको क्लासेस के अंदर। एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, यूजीसी, सीडीएस,
कोई भी पीसीएस का एग्जाम है, जैसे कि कोई आरपीएससी है, कोई भी है, तो आप अनअकैडमी पे घर बैठे अपनी पूरा शिक्षा ले सकते हैं। और रेफरल कोड डाल दीजिएगा BHUNESH भुवनेश 10, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा और सभी सब्जेक्ट की सारी क्लासेस है जो कि आपको मिल जाएगी। मेरे कोर्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है दोस्तों, एक तो यहाँ पे SBI क्लर्क का और RBI असिस्टेंट का जो मेंस का एग्जाम है ना, वो आपके लिए मैंने करंट अफेयर स्टार्ट किया है, ज्वाइन कर लेना, इसके बाहर से आपको करंट अफेयर नहीं मिलेगा। साथ में दोस्तों पॉलिटी की शुरुआत हो रही है यहाँ पे दोस्तों, पॉलिटी पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ CHSL में, ज्वाइन कर लीजिएगा, मजा आ जाएगा। इससे पहले हिस्ट्री ज्योग्राफी एक जो है ये भी हो चुकी है, इसके भी सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। साथ में एक और बड़ी बात है कि बायोलॉजी की भी स्टार्ट करिए, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे पूछिएगा, काफी मजा आ रहा है उनको पढ़ने में, बायोलॉजी भी स्टार्ट हो चुकी है। करना क्या है, अकेडमी लर्निंग ऐप पर जो कि डाउनलोड करनी है, उसके बाद ओपन करनी है, ओपन करने के बाद आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है, तो गोल कोई सा भी सिलेक्ट कर लो, रेफरल कोड आपको यहाँ पे भुवनेश 10 है जो कि आपको लगाना है, आपको 10% ऑफ और सभी सब्जेक्ट की सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पे SSC सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप यहाँ पे प्लस में गए, उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन में गए, उसके बाद आपको यहाँ पे 1 महीना 3 महीने 6 महीने का ऑप्शन मिलेगा, तो 1 महीने का मात्र 1,080 रुपए का है, और 6 महीने का लोगे 12 महीने का तो मात्र 500 रुपए पर मंथ पड़ेगा। तो सारे एग्जाम की तैयारी करो, 500 रुपए पर मंथ वाला ले लो, रेफरल कोड आपको BHUNESH भुवनेश 10 डाल के आपको अप्लाई करना है, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें 31,000 के आसपास बच्चों, वो वाला ज्वाइन कर लेना, PDF सारे वीडियोस आपको करंट अफेयर्स बाय भुवनेश्वर टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। क्वेश्चन डे है, सप्ताह का लंबा प्रदर्शनी सह मेला एकाम फेस्ट डैश में आयोजित किया गया था, तो ये कहां पे आयोजित करवाया गया है ये आपको बताना है। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण सेशन, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।